आज सभी एंटी डोमियो स्क्वाड जो हमारे थानों में बने हुए हैं, सर्किल मुख्यालय में बने हुए हैं, उनको सबको पुलिस लाइन में बुलाया गया है, ब्रीफ किया गया है। हमारे नोडल अफसर एसपी सिटी हैं इस एंटी डोमियो स्क्वाड के, और सीओ सीमा यादव जो क्षेत्राधिकारी मीरगंज है वो सहायक नोडल अफसर है इसकी। उन्होंने ट्रेनिंग उनको मिली है लखनऊ से दो दिन पहले, उस ट्रेनिंग के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए हमने सभी ये कार्यशाला का आयोजन करके एंटी डोमियो स्क्वाड जितने भी हमारे जनपद में गठित है, हर थाना स्तर पर एक और देहात के हर सर्किल मुख्यालय पर एक, प्रिफरेबली महिला सब इंस्पेक्टर उसकी प्रभारी है, कहीं कहीं पुरुष सब इंस्पेक्टर भी है, और एक महिला आरक्षी और एक पुरुष आरक्षी इसके मेंबर हैं। हमने बॉडी बॉर्न कैमरा की व्यवस्था करी है, इन टीम्स को हम बॉडी बॉर्न कैमरा दे रहे हैं ताकि वहाँ ये जहाँ कॉलेजेस के आसपास और स्कूलों के आसपास जहाँ पर भी ये अपना अभियान चलाएंगे, देखेंगे, बात करेंगे, उसमें जो है रिकॉर्डिंग हो जाए और हर चीज़ उनको पता रहे कि किस तरीके से कोई घटना घटित हुई। हम लोगों ने यह भी इंश्योर किया है कि जनपद में छेड़खानी या इस तरीके के अपराध करने वालों के विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे, और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे। गुंडा एक्ट में जितने भी छेड़खानी के केसेज, जितने भी रियल केसेज जितने हुए हैं जिसमें वास्तव में छेड़खानी घटना कारित की गई है, और लड़की ने 164 के बयान में भी अपने बताया है, उन सब केसेज में हमने एक सबको बताया है सीओज को कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें ताकि एक सख्त मैसेज जाए, कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को मजबूत करने के लिए उनको बॉडी बॉर्न कैमरा दिया है, और जो कंटिन्यूस सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक ये लोग भ्रमणशील रहेंगे, सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग संस्थानों में हम जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। उस जागरूकता अभियान में हम लोग सभी बच्चे और बच्चियों से पहले उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, किस जगह पे उनको प्रॉब्लम आती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इनके साथ इस तरीके की घटनाएं छिड़खाने की या अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी की इस्तेमाल की जाती है,